हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिनेमा इंडिया। फ्रेंड्स, लखनऊ के रहने वाले मिथिलेश चतुर्वेदी काफी सीधे साधे और साधारण इंसान थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत जिंदगी में काफी देर से की थी। मुंबई आने से पहले वे थिएटर आर्टिस्ट के रूप में काम करते थे। इतना ही नहीं, वह लंबे समय तक वह सरकारी कर्मचारी भी रहे। इस बारे में मिथिलेश चतुर्वेदी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था। बॉलीवुड एक्टर मिथिलेश चतुर्वेदी के निधन ने सभी को चौंका कर रख दिया है। 68 साल के मिथिलेश चतुर्वेदी हार्ट की बीमारी के चलते दुनिया को अलविदा कह गए। उनके दामाद आशीष चतुर्वेदी ने इस बात की पुष्टि सोशल मीडिया पर की है। मिथिलेश के यूं अचानक से चले जाने की वजह से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ रही है। फैंस और सेलेब्स उन्हें याद कर रहे हैं। एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में मिथिलेश ने अपनी फिल्मी करियर और जिंदगी के बारे में बात की थी। उन्होंने बताया था कि वह मुंबई कैसे आए। मिथिलेश ने कहा था, मैं नाटक करता था, नाटक करते करते मैंने पूरा भारत घूमा, फिर मैंने सोचा अब नदी भी घूम लेते हैं, अब समंदर में छलांग लगा लेनी चाहिए, तो मैं मुंबई आ गया। यहाँ आकर काम मिलना मुश्किल था, लेकिन मैं ऊपर वाले का नाम लेकर कोशिश करता रहा और उसने मेरी सुन ली। उन्होंने आगे कहा, बम्बई आने से पहले हम लखनऊ में थिएटर करते थे, थिएटर के साथ साथ सरकारी नौकरी में भी थे। तकरीबन 25 साल सरकारी नौकरी की, जब देखा कि नौकरी फैशनेबल हो गई है तो मैंने वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लिया और कूद कर मुंबई आ गया। मैं डरा हुआ था, लेकिन मुझे ऊपर वाले पर विश्वास भी था। अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हुए मिथिलेश चतुर्वेदी ने कहा था, मेरा सबसे पहला प्रोजेक्ट था सीरियल उसूल, जिसमें डैनी मेरे साथ थे। फिर डीडी नेशनल के शो न्याय में रोल मिला था, वैसा रोल मुझे कभी दोबारा नहीं मिला। सत्या मिली, फिर फिल्म भाई भाई की, फिर काम करते रहे। फिल्मों का सिलसिला ज्यादा नहीं चला क्योंकि मैं आलसी आदमी हूँ। मेरी पीआरशिप खराब रही है, मेरी पीआरशिप अल्लाह मियां करते हैं तो मुझे काम मिलता है। इसी बारे में उन्होंने आगे बताया था, राकेश रोशन जी का फोन आया था मुझे। उन्होंने कहा था कि आपका नंबर मेरे पास नहीं था, आपका नंबर ढूंढने के लिए मैंने कुओं में बात डलवा दी, तो मैं मानता हूँ कि जो आपको मिलना होता है मिल ही जाता है। राकेश रोशन की फिल्म कोई मिल गया में मिथिलेश ने काम किया था। उन्होंने ऋतिक रोशन के साथ रोहित के कंप्यूटर टीचर की भूमिका निभाई थी। उनके काम को आज भी याद किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे मिथिलेश चतुर्वेदी को फिल्म में रोल्स मिले। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और फ्रेंड्स ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।